नमस्कार, शुभ प्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाग्योदय कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं। इस खास कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं पंचांग की, बताते हैं दैनिक राशिफल। आज जो भी पंचांग भेजा है वह पटना से प्रजात प्रसंग जी ने भेजा है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है आज का पंचांग। आज युगा 5123 है, विक्रम संवत 2078 है, शक संवत 1943 है। दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी दिन के 9:41 तदुपरांत द्वादशी तिथि तदनुसार 21 जून 2021 दिन सोमवार है। आज जो राहु काल का समय है वह सुबह 7:26 से रहेगा 9:07 पर। जहां दोस्तों इस समय कोई भी अति महत्वपूर्ण काल ना करें, इसके पहले करें या इसके बाद करें। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा तुला राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। आज जो सूर्योदय हुआ है 5:13 पर और सूर्यास्त होगा 6:47 पर। दोस्तों, जिसकी खास चर्चा करते हैं वह है दिशा शूल की। आज सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दर्पण देखकर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:32 से 12:27 पर। दोस्तों, तो ये था आज का पंचांग। अब आइए जानते हैं क्या कह रहा है दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल भी हमें भेजा है पटना से प्रजात प्रसन्न जी ने। सबसे पहले आइए देखते हैं मेष जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपके लिए कामयाबी वाला होगा, कारोबार बेहतर होगा, छात्रों को सफलता मिलेगी, खान पान को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। सेहत कुछ खराब रह सकती है, तनाव रह सकता है, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। जहां दोस्तों आप आइए जानते हैं वृश्चिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में कुछ समारोह हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ विवाद की संभावना बनी हुई है, आमदनी भी बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। अब जानते हैं मिथुन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप काफी सकारात्मक रहेंगे, आपके सरल स्वभाव के लोग सराहना करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, यात्रा का योग है, विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, नए काम में लाभ की संभावना है, खर्च ज्यादा हो सकता है। अब जानते हैं कर्क जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको खर्च है सोच समझ कर करना है, आपको किसी से विवाद हो सकता है, नए प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरी कार्य पूरे होंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, छात्रों को लाभ मिलेगा, सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। अब जानते हैं सिंह जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको सरकारी मामलों के लंबित होने से आज आप चिंतित रह सकते हैं, जोखिम वाले काम करने से बचें, निवेश के लिए अच्छा समय है, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे, खर्च ज्यादा होने की संभावना बनी हुई है, किसी मित्र से मुलाकात भी होगी। अब जानते हैं कन्या जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। अब जानते हैं तुला जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको खर्च ज्यादा होने की संभावना है, व्यापार में प्रगति होगी, शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, खुशखबरी मिल सकती है, संतों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अब जानते हैं वृश्चिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन सफलता में रहने वाला है, शुभ सूचना मिल सकती है, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, पुराने निवेश से धन लाभ होने के संकेत हैं, आज का दिन शानदार रहने वाला है। अब जानते हैं धनु जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, छात्रों को लाभ भी होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, धन लाभ की संभावना बनी हुई है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए काम में लाभ भी होगा, बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अब जानते हैं मकर जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको शत्रु के कारण नुकसान हो सकता है, विवाद की आशंका बनी हुई है, क्रोध पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, सेहत बिगड़ सकती है। अब जानते हैं कुंभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, आमदनी के नए अवसर मिलेंगे, जोखिम न लें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, यात्रा के योग बन रही है। अब जानते हैं मीन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपका सामान्य रहने वाला है, तबादले की सूचना मिल सकती है, लाभ के संकेत हैं, जोखिम लेने से बचें, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, अनावश्यक खर्च करने का प्रयास न करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आज का दैनिक राशिफल जो हमें भेजा था पटना से प्रजात प्रसन्न जी ने। दोस्तों, आपने भाग्योदय कार्यक्रम में जाना पंचांग के बारे में और दैनिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज निर्जला एकादशी है, इसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप योग करें और निरोग रहे। दोस्तों और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।